मध्य प्रदेश के मंदसौर में बवाल भड़क गया है। वजह बेहद मामूली सी है, लेकिन लोगों का गुस्सा आसमान पर है। बेहद मुश्किल से पुलिस प्रशासन ने बवाल पर नियंत्रण पाया है। पहले आपको घटना की जानकारी दे देते हैं, फिर इसके विस्तार में चलेंगे। शहर में ईद के मौके पर जुलूस निकाला जा रहा था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार जुलूस के दौरान सोमवार दोपहर करीब 1 बजे मंदसौर शहर के बस स्टैंड पर विवाद हुआ। घटना की जानकारी देते हुए SP अभिषेक आनंद ने बताया कि शहर में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकल रहा था। इसके खिलाफ शिकायत आई है कि एक पक्ष द्वारा लाठी चलाने के समय चोट लगी। दूसरे पक्ष के और भी आरोप हैं, जिन्होंने आवेदन के माध्यम से शिकायत की है। शिकायतकर्ता फिलहाल थाना कोतवाली में उपस्थित हैं। शिकायतकर्ता से आवेदन प्राप्त होने के बाद आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा पुलिस कर रही है। हालांकि हिंदू पक्ष का यह दावा है कि मंदिर के बाहर पत्थर चला है। पुलिस ने हंगामा होते ही मोर्चा संभाल लिया। हालांकि SP का कहना है कि दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है और दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं जिस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सुनिए। शहर में जो मिलादुन्नबी की जुलूस निकल रही थी, तो उसकी जो है उसके खिलाफ एक शिकायत आई है कि जो एक पक्ष के द्वारा, तो उनके साथ जो है जो लाठी चलाने के टाइम जो है उसमें चोट लगी है, और उन दूसरे पक्ष का और भी कुछ बात है जो आवेदन के माध्यम से वो शिकायत कर रहे हैं, जिसके उनको जो पक्ष है जो शिकायत कर रहे हैं उनको थाना कोतवाली जो है उपस्थित है। वो थाना कोतवाली उनसे आवेदन प्राप्त करके जो कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। साथ ही मैं सभी पक्षों से बोलना चाहूँगा कि इसमें जो है पूरी शांति व्यवस्था कायम रखे, पूरी स्थिति पूरी नियंत्रण में, किसी तरह की भ्रामक जानकारी ना फैलाएं, और मैं सभी समाजजनों से जो है अपेक्षा करता हूँ कि शांति व्यवस्था कायम रखें। इस घटना पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। BJP के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने बयान जारी करके आशंका जताई है कि कल गणेश विसर्जन के दौरान हंगामा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को सतर्क रहना होगा। जिस तरह से पत्थरबाजी और दूसरी अफवाहें शहर में हैं, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। ईद के पर्व पर मुस्लिम समाज के द्वारा जो धर्म जुलूस का आयोजन किया जा रहा था मंदसौर शहर में, स्थानीय नेहरू बस स्टैंड के आसपास एक धार्मिक स्थल पर अचानक से हुई पत्थरबाजी को लेकर शहर का माहौल गरमाया हुआ है, भगदड़ मची हुई है। व्यापारी व्यवसायियों ने अपनी संस्थाएं बंद कर ली है, तरह तरह की अफवाहें भी चल रही है। पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन का प्रथम दृष्टया यह दायित्व बनता है कि वे आम नागरिकों के बीच इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करें कि वे सुरक्षित रहेंगे, उनकी जान माल की पूरी रक्षा की जाएगी, तथा गणेश चतुर्दशी के पर्व पर जिस प्रकार से आरती आराधनाएं शहर में चल रही है वे शांतिपूर्वक चलती रहेगी, तथा 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भी जो झांकियां निकलेगी, जो धर्म जुलूस निकलेगा, उसमें भी किसी प्रकार का कहीं व्यवधान न हो, यह भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सुनिश्चित करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस बात की ताकीद भी करे, तहकीकात भी करे कि उस जुलूस में कैसे लोग, कहां के लोग, असामाजिक तत्वों ने अगर यह षड्यंत्र पूर्वक अपराध किया है और कानून को अपने हाथ में लिया है, तो स्थान स्थान पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनको खंगालने का काम करें और मंदसौर शहर में शांति बहाल हो, इस बात की पूरी विश्वास और भरोसा जनता को दिलाए। मैं भी आम जनता से यह उम्मीद करूंगा कि वे अफवाहों से सावधान रहें तथा शांति बहाली में सहयोग प्रदान करें। इस पूरी घटना पर मंदिर के पुजारी ने क्या कहा है वो भी सुनिए। मैं मौके पर मौजूद था, हमारे ऊपर से एक बस सामने खड़ी थी, स्वागत के लिए इनके जो जुलूस आया
उसके बाद जुलूस शांतिपूर्वक निकल रहा था, लेकिन उस बस के ऊपर से या पथरा हुआ या कहीं से हुआ ये हमें कंफर्म नहीं पता है, लेकिन हमारे ऊपर भाटा आया, हमारा इंसान एक का आदमी का सर फटा है। उसके बाद उधर से पानी के कुछ चप्पल जैसे पानी में कुछ चप्पल ऐसी कर करके फेंकी, थूक के फेंक रहे थे, ऐसे कुछ घटना कर रहे थे। उसके बाद हम मेरे ऊपर मैंने बीच में जाके शांतिपूर्वक करने की भी बहुत कोशिश की, पुलिस की तरफ से पूरा वहां पे रोकने की कोशिश की और हम लोगों को रोका गया था वहां से, ठीक है। हमारे मंदिर के ऊपर पत्थर फेंके गए कंटिन्यू और 4 से 5 ईंट मंदिर में फेंकी है। उसके बाद मैं बीच में खड़ा होकर शांतिपूर्वक मैंने दोनों हाथ ऊंचे करके मैंने शांति रखने की बोला था, अपील करी। उसके बाद भी उनके लड़के कुछ थे तो हमारे ऊपर लगातार फेंका फेंक कर रहे थे। आप क्या मंदिर पुजारी हैं? मैं मंदिर का पुजारी हूँ और मेरे पैर में हल्की सी एक ईंट लाके हल्की सी लगी थी, कोई ज्यादा चोट नहीं लगी। एक हमारे एक व्यक्ति का लगी, उसका मुझे नाम नहीं पता है, वो श्याम पहलवान जी का भतीजा था, उसका नाम पता नहीं चला अभी तक। हाँ, उसके सिर में लगी, उसका सिर फटा है। वही मंदसौर के हिंदूवादी नेता विनय दुबेला ने भी इस घटना पर गहरी चिंता जताई। आज मुसलमान समाज का जुलूस था, वो अपने धर्म की परंपरा का पालन करते मात्र तो ठीक था, जिस प्रकार से गुंडों की फौज उस जुलूस में शामिल हुई और हमारे भोलेनाथ के मंदिर पर उन्होंने पथराव किया, हमारे वहां पर व्यवस्था में लगे एक साथी को पत्थर लगा जिससे उसका सर फूट गया, और इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ जिस प्रकार योजना बनाई थी कि आप पूरे गलियों में निकलते हुए जाना है, हिंदुओं की दुकानों पे पत्थर फेंकने का काम किया, जो पानी के पाउच थे वो फेंकने का काम किया और चिढ़ाने का काम लगातार वो कर रहे थे, और जिस प्रकार से उन्होंने आज नंगा नाच प्रशासन को ठेगा दिखाकर किया है ये हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं कर रहा। आज तो हमने प्रशासन से बहुत कड़े शब्दों में कह दिया है कि यदि उनको लगता है कि वो मंदसौर में अमन चैन शांति नहीं बनवा सकते तो हिंदू समाज अपने सामर्थ्य में है, वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ लेगा, हम सड़कों पे आकर हमारी लड़ाई लड़ लेंगे, हमारे मंदसौर को बचा लेंगे। लेकिन जिन लोगों ने शांति समिति में आकर आपको जिला प्रशासन को आश्वस्त किया था कि वे मंदसौर में पत्थर नहीं फेंकने देंगे, तो वो सब शांति समिति वालों को उठा के टांगना चाहिए आज यहाँ पर। उस व्यक्ति के ऊपर पत्थर फेंकने वालों को सीसीटीवी फुटेज में जितने लोग आज शामिल हुए थे वो निकलना चाहिए। आपने भोले बाबा की सवारी में से डीजे प्रतिबंधित कर दिया था, उनको निकाल दिया था, आज ये 40 डीजे कहाँ से निकल कर आए? क्या मंदसौर में ये अंधा प्रशासन देख नहीं पा रहा था? आज उन्होंने उल्टा हिंदू समाज को रोकने का काम किया। हम लोग शांतिपूर्ण समाज हैं, जितना सहन कर सकते थे कर लिया, लेकिन आज जिस प्रकार की मुसलमान गुंडों ने, मैं शब्दों से कह रहा हूँ कि मुसलमान गुंडों ने जो नंगा नाच किया है, जो चाहे मंदसौर के रहे हों या आसपास जिले से आए, मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि 2 दिवस का समय है, कल अनंत चतुर्दशी का पर्व है, झांकियां निकलेगी पूरी शान से, उसके बाद जो होगा प्रशासन अपने आप में कंट्रोल कर ले, अन्यथा हिंदू समाज उसका पत्थर का जो उसने ईंट फेंकी उसका पत्थर से जवाब देना जानता है। मंदसौर की कलेक्टर का इस घटना पर क्या कहना है ये भी सुनिए। पुलिस थाने में एक कंप्लेंट दर्ज की गई है और यही प्रयास चल रहा है कि अशांति का माहौल कोई शहर में बनाने की कोशिश ना करे। जो कंप्लेंट हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज देख के वीडियोग्राफी देख के उस पर आगे की कार्रवाई सख्त सख्त की जाएगी, और आप सभी लोगों के माध्यम से मेरा ये निवेदन है सभी शहरवासियों से कि भ्रामक जानकारी पे किसी के कहे सुने पर या किसी के आह्वान देने पर ना बिलीव करते हुए प्रशासन के साथ शांतिपूर्वक शहर का माहौल बनाए रखें। कुल मिलाकर मंदसौर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, हालांकि पुलिस प्रशासन ने समय रहते स्थिति नियंत्रण में ले ली है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के कई कार्यक्रम मंगलवार को हैं, लिहाजा पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।